हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल्स? कैसे हो आप सब लोग? कह रही है तो सर्दी से बचे हुए हो। आज हम लोग मैं तो आज सुबह सुबह नहा लिया भाई। सुबह सुबह 6 बजे से पहले पहले कपड़ा धोने वाला था, कपड़ा धोया, फिर नहाना था, नहाया। कल नहीं नहाया था मैं, आज शावर किया। कल शावर किया ही नहीं, कल पूरा दिन ऐसे इधर उधर फेंके, उधर को चले जाओ, उधर को चले जाओ, काम नहीं है बस ऐसे घर में ही, उधर को चले जाओ, उसके पास चले जाओ, ऐसे पूरा दिन निकाल दिया। और कल शावर नहीं किया, आज पूरा रात सोया नहीं। और फिर मैं कोई 3 बजे के आसपास पहले कपड़ा सा धोया, और उसके बाद 1 घंटा लग गया, क्योंकि मशीन नहीं है यार मेरे पास। मैं उसको बोला है, मेरा जो सऊदी है उसको मैं बोला एक मशीन लाने के लिए, तो मशीन नहीं है, हाथ से धोना पड़ता है यार, क्या करें भाई। तो कपड़ा धोया, उसके बाद फिर शावर किया, ये भाई ये सब किया, और उसके बाद चाय पिया। चाय पीने के बाद जस्ट अभी मैं बाहर निकला हूँ, गाड़ी स्टार्ट किया है। आज स्कूल जाना छोड़ के आना ना बच्चों को। अभी मैं उस दिन का आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, ये इतना आलसी आलसपन अंदर घुस गया है, अंदर घर कर लिया है कि कोई काम करना होता है ना, उसको 2-3 दिन डिले करके फिर वो काम होता है। पता नहीं कैसा सिस्टम हो गया, मैं इतना आलसी हो गया, अब समझ से बाहर है। तो इंशाल्लाह अभी मदरसा छोड़ के आएंगे, और उसके बाद थोड़ा सोना है, दो मुमकिन 11 बजे तक सोएंगे, क्योंकि रात बिल्कुल नहीं सोया भाई। तो सोएंगे, सोने के बाद फिर उनको लेके आएंगे ना 11, 11:30, 12 बजे मदरसे से, स्कूल से जब बच्चों को वापस लेके आएंगे, उसको घर छोड़ के फिर मार्केट जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए आप, आपको दिखाएंगे कि सऊदी में क्या क्या, कितना कितना महंगा है ना। बहुत लोग आने की लालसा में है कि इधर खर्चा ज़्यादा नहीं होता, 300 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता खाने का, समझ से बाहर है। वो कौन लोग हैं जिसका 300 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्या खाते हैं वो, मैं तो समझ से बाहर है। आज मेरे पास घर में कुछ नहीं है बनाने के लिए, एक अंडा तक नहीं है। आपको सब दिखाऊंगा कि कितने की शॉपिंग होती है, और कितने की ग्रॉसरी होती है आज की, 1 मंथ की, अभी 5-6 दिन तो निकल गया, अभी 1 महीने का 20-25 दिन पड़ा है, 20-25 की 28-29 का तो महीना है, वही 25 दिन मान के चलो, 20-22-25 दिन जो भी है, बताऊंगा कि कितने की ग्रोसरी होती है। और उसके बाद दूध नहीं लेना उधर से, बाकी थोड़ा बहुत सामान इधर से भी आज लेता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो जो मेन मेन सामान है वो सब ले लेंगे इंशाल्लाह। तो चलो आपको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, देखना आप, ठीक है? और आप रेट देखना क्या है सऊदी का, प्याज प्याज उसको बहुत लोग कांदा भी बोलते हैं, प्याज भी बोल देते हैं, इंग्लिश में अनियन भी बोल देते हैं, वो यहाँ पे इस टाइम 10 रियाल किलो के आसपास है, 10 रियाल का 1 किलो। अगर आप चिकन विकन बनाते हो, चिकन बनाते हो या मीट बनाते हो ना, तो किलो प्याज 2 से 3 बेरी बनेगा, ठीक है ना? बाकी इंशाल्लाह बने रहिए, आपको दिखाएंगे आज मार्केट, आज जाएंगे इंशाल्लाह पांडा, ये तय हो चुका है। और बस बने रहिए, आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे आज सुपरमार्केट। लुलू भी है, लेकिन लुलू में थोड़ा महंगा है सामान, मैं रात पूरा यही देखा ऊपर ऊपर किधर है, लुलू में बहुत महंगा है। तो पांडा है इधर मेरे घर के पास ही, ऐसा मार्केट पांडा हो गया, हाइपर पांडा है, हाइपर पांडा, धनूप और लुलू हो गया, उथेम हो गया, सब घर के आसपास ही है। ऑफर देखते रहो, जिसमें सस्ता मिलता है घुस जाओ इंशाल्लाह। पांडा में मेरे को सही लगा कुछ, कल रात देखा मैं, और आज लास्ट दिन है, आज लास्ट दिन है ऑफर का, आज के बाद ऑफर ख़त्म, 6 तारीख तक था वो, आज 6 या ना 6 रात तक लास्ट दिन है, आज आज जाके ले लेना है बस। तो आप बने रहिए, आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह, देखना मार्केट। और यहीं पे छोड़ के गया था, यहीं पे वापस, और अभी इस हो गया टाइम 11:30, अभी स्कूल जा रहा हूँ बच्चों को लाने के लिए, इनको ला के ना घर छोड़ के, उसके बाद चाय पियेंगे, क्योंकि चाय बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है भाई। चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर इंशाल्लाह जाएंगे मार्केट में, ठीक है ना? बस इनको स्कूल से ले लें, उठा लें, फिर उसमें उसके बाद चाय पी के चलते हैं मार्केट में, ठीक है ना? आपको मिलते हैं सीधा मार्केट में।
वेलकम टू बैक ब्रो। अभी मैं तो अभी जा रहा हूँ भाई मार्केट में। आपको बोला सुबह के जाना है आज मार्केट, क्योंकि आज खाने पकाने को कुछ नहीं है। आज खाने पकाने के लिए कुछ नहीं है, या तो फिर होटल से खाना पड़ता आज। तो उससे अच्छा भाई अपना सामान ले आओ, तो घर पे बनाएंगे, ठीक है ना। और मैं सुबह बुड्ढे को बोला है, जो मेरा सऊदी है ना, मैं उसको सुबह बोला है। तो मैंने उसको बोला मैं कोई 1-1.5 बजे जाएगा उधर मार्केट में। बोलता है किस मार्केट में जाएगा? मैंने कहा पांडा में जाएगा या धनूब में जाएगा। मैंने कहा मैं 100% है कि पांडा में जाएगा। बोलता पांडा में नहीं जाओ, धनूब में जाओ, और उसमें ऑफर ऊपर बहुत अच्छा है। तो बोलता है कल मैं सामान लेके आया हूँ। मेरे को कोई मुश्किल नहीं, धनूब चला जाएगा। उसी रोड पे धनूब है, उसी रोड पे पांडा है। धनूब ये जो मैं रोड जा ये साइड जा रहा हूँ, इसी साइड पे आएगा धनूब। और पांडा यू टर्न करके घर को आने के लिए मेरे के वो यू टर्न करने के बाद आएगा। एक ही रोड पे है दोनों मार्केट। और उसको मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पर्सनली कहीं जाना होता ना, तो मैं पहले उसको बोलता हूँ कि मेरे को फला जगह जाना है। वो कुछ नहीं बोलता, अगर उसको बोलते हैं ना किसी भी सऊदी को तो वो कोई मना नहीं करता। तो लेकिन बोलना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि खुदा ना करे आप रास्ते में आए, आपके साथ कोई हादसा हो गया, या खुदा ना करे कोई चलान हो गया, तो आएगा तो उसके पास ना, तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल किसको होगी? मुश्किल आपको होगी, क्योंकि अगर उसको बिना बताए आप कहीं जाओगे ना, तो बाद में उसको पता चल गया तो आपका जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा। वो आपसे चाबी भी लेना चालू कर देगा गाड़ी का, आपको जाने कहीं आना जाने का मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा भाई उससे पहले उसको बता दो कि मैं आज इस टाइम फला जगह जाना है, इतने टाइम का काम है। अपना क्या जाता है, उसमें आपकी रेपुटेशन अच्छी बनती है, ठीक है ना। तो मैं तो भाई कहीं भी जाता हूँ पहले सऊदी को बताता हूँ कि फलां जगह जाना है। तो अगर उसका मूड अच्छा होता है वो पैसे भी दे देता है कभी कभी। तो 1-2 बार पहले हुआ ऐसा। लेकिन बताने में अपना फ़ायदा है भाई, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर बिना बताओ जाओगे तो मुश्किल है। तो चलो अभी चलते हैं मार्केट में, धनूब में। यहीं पास में है, बस पहुंचने वाला हूँ। ये ब्रिज आ गया ना, ये ब्रिज निकलते ही राइट हैंड है, ये तकासुसी रोड है। तकासुसी रोड है, आगे तरीक मक्का आएगा, मक्का रोड आएगा आगे। तो उससे पहले ही धनूब मार्केट है, धनूब नाम की एक मार्केट है, राइट हैंड यहीं पे है बस। ये देखो ऊपर आया ना मैं, यही राइट हैंड है बस, कोई 100 मीटर के आगे बस। और ये सामने ही उसके पांडा है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो ये पांडा आ गया और ये धनूब आ गया इस साइड पे। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या ऑफर है। ये है वो धनूब मार्केट, सुपर मार्केट है, बहुत बड़ा है। और इसके जस्ट सामने ही वो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो सामने उसमें पांडा है। तो चलो पहले इसमें चलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह क्या क्या ऑफर में है। अभी जैसे आपने देखा है कि धनूब के अंदर तो हम पहुंच गए थे, और उसके बाद का वीडियो हम पार्ट 2 में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वो एक सेकेंड पार्ट रखा है। तो रुके कुछ टाइम, तो एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।